हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों मुझे अभी थोड़ा काम यहाँ पे करना है नीचे घर पे, और फिर दोपहर के बाद जाएंगे हम शेर। तो फिर फ्रेंड्स, आज हमें शेर में भी हो तो वो है फ्रेंड्स, थोड़ी कुड़ाई करने को भी है, वो अभी वो करूँगा मैं उसको, और फिर और भी जो होगा वहाँ पर कि ब्लॉग कहाँ पे कैसे क्या बनेगा वो तो शाम को पता चलेगा दोस्तों। तो बाकी मुझे वहाँ पे अभी गुड़ाई करनी है, और फिर बाकी ब्लॉग का कोई पता नहीं है दोस्तों कि ब्लॉग कैसा बनेगा। तो मौसम भी मैं आपको वही दिखा देंगे दोस्तों हम आपको, और फिर ओके फ्रेंड्स, ओके बाय, मिलता है फिर आपको शेर में, जो भी होगा आपको अपडेट करा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय, मिलता है फिर शेर में, ओके। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं इस टाइम शेर पहुंच चुका हूं, और यहां का मौसम अच्छा बना हुआ है दोस्तों, बढ़िया मौसम है। तो बाकी अभी मैं आप काम को दिखाता हूं कि मुझे अभी पहले काम हुआ है और अभी जो बाद में करना है, अभी दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों। आओ फ्रेंड्स, आओ दिखाता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, पहले हमने ये काम किया दोस्तों, यहाँ पे हमने ये मशीन चलाई थी फ्रेंड्स, लेकिन अभी ये जो बच्चा है इधर घास काफी हो गया दोस्तों, इसके अंदर ये वाला बच्चा है अभी, ये पीछे भी थोड़ा ऊपर को दोस्तों यहाँ पे, तो बाद में देखेंगे। इधर मटर कम है, इधर थोड़े ठीक है मटर, तो आगे तक है दोस्तों ये। तो बाकी अब मैं काम शुरू करता हूँ फ्रेंड्स, और मिलते हैं फिर आपको बाद में। ओके फ्रेंड्स, ओके ओके। बाकी दोस्तों यहाँ के सीनरी इस तरह से, इस टाइम मौसम भी इस तरह बना हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छी धूप लगी थी दोस्तों, थोड़े बादल भी हैं अभी, अच्छी सीनरी और अच्छा मौसम दोस्तों ये। तो ये बना हुआ दोस्तों यहाँ पर मौसम अभी, और ये खूबसूरत नजारा है दोस्तों, गांव के नजारे हैं, हिमाचल प्रदेश शेर गांव का नाम है दोस्तों, जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं यहीं से सीनरी बना रहा हूँ दोस्तों। तो बहुत अच्छी है लोकेशन से, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे। तो ओके फ्रेंड्स, ओके मैं काम शुरू करता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है, जानकारी वाला ब्लॉग है दोस्तों। तो हमारा जो ब्लॉग है आज, वो स्ट्रॉबेरी के ऊपर है दोस्तों। तो इस पे हमारा ब्लॉग एक पहले बन चुका है, तो अगर आपको पहले इसके बारे में जानकारी चाहिए दोस्तों, तो वो पहले ब्लॉग में हमारे पड़ी है, आप ब्लॉग में जाके वहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। लेकिन जो आज का ब्लॉग है हमारा, जो अब काम होना दोस्तों इसका, जैसे आपने इसको भेजना है, क्या सिस्टम है इसका, ये हम नरेंद्र भाई से आज फिर मतलब ब्लॉग बनाते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं दोस्तों अगले काम की, कि हमारा जो स्टोरी का काम है इसके बाद हम कैसे काम करें। हमने खेतों में लगाया इसे, तैयार अब हो चुकी है ये, तो इसके बाद हम अगला प्रोसीजर हम आपको बताते हैं हमारे नरेंद्र भाई साहब आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के साथ ये ब्लॉग होगा और बहुत अच्छा ब्लॉग होगा दोस्तों। तो हम नरेंद्र भाई से बात करते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, ये हमारे नरेंद्र भाई की दोस्तों स्ट्रॉबेरी है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, ये इस तरह से है दोस्तों, इन्हें तैयार की जो है, ये इस तरह से तैयार किया दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे, ये पौधे बने हैं दोस्तों, ट्रे में है दोस्तों, नीचे ये फाइनल ट्रे लगाई है दोस्तों, इस पे ट्रे पे ये उगाई है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। और ये खेत भी बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा, इधर भी है, आपको देख सकते हैं इधर सारे में स्ट्रॉबेरी है दोस्तों। और फिर हम भाई से जानकारी लेते हैं इसके बारे में, क्या इसका सिस्टम है, इनके पास बंदे भी तीन चार है, तो चार पांच बंदे हैं दोस्तों इनके पास यहाँ पे काम करने वाले, तो हम उनसे भी आप बात करवाएंगे दोस्तों, उनसे भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स फसल भाई की हमारे, ये मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। और फिर इधर ये पेटियां जगह जगह पे दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये पेटियां भी भाई ने अभी तैयार कर की हुई दोस्तों भेजने के लिए, हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, आप देख लिया होगा आपने। तो ये है फ्रेंड्स हमारे नरेंद्र भाई का काम शेर में, और
ओके फ्रेंड्स, फिर हम भाई से बात करते हैं। अब आपने देख लिया होगा इसे, तो ये है दोस्तों यहाँ का काम भाई का हमारे, और शहर के अंदर है दोस्तों। तो फिर हम भाई से बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, ये हमारे नरेंद्र भाई हैं दोस्तों, और नरेंद्र भाई आपका सबसे पहले हमारे ब्लॉग पर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हम आज जानकारी के साथ अपने भाई के साथ हैं, ये हमें जानकारी शेयर करेंगे। तो नरेंद्र भाई जी, नमस्कार जी सभी व्यूअर्स को। ओके भाई जान, ओके। तो भाई साहब, आप थोड़ा सा हमें बताएं इसके बारे में, मतलब क्या है स्ट्रॉबेरी के बारे में। हाँ जी, कि अब कहाँ पहुँचा आपका प्रोजेक्ट, और अब इसके बारे में अब क्या जानकारी जरूरी है हमारे लिए। हाँ जी, अब ये एंडिंग टाइम है, ये नीचे फ्रूटिंग के लिए लग रहा है पौधा। अच्छा जी, हाँ जी। तो इसको कितने महीने हो गया भाई जी आपको काम? लगभग से हम इम्पोर्टेड पौधा लेके आते हैं, ये आता है हमारा मई में, मान के चलो 10 मई के आसपास। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा, 10 मई के आसपास हुआ है, कितना टाइम हो गया अभी इसको? लगभग सर ये मान के चलो आप 4 से 5 महीने हो गए इसको। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो ठीक है नरेंद्र भाई, इसमें काम कितना ही होता है दोस्त भाई साहब? इसमें कितना कुछ ज़्यादा नहीं होता इसमें, जैसे ये परो ट्रे लगा रखी है, हम आपने पहले भी दिखाया होगा। हाँ जी, हाँ ये देख, हाँ ये दिखाई भाई जी ने। हाँ जी, तो बस इसमें टिच करना पड़ता है, जैसे कि अच्छा उदाहरण के लिए ये पौधा है आपके पास। हाँ जी, अच्छा। इसकी लगभग हाइट मान के चलो आप तकरीबन 10 से 1 फुट के करीब है, 10 इंच के। अच्छा, 1 फुट के आसपास है ये। जैसे ये नर आता है पौधे से, तो यहाँ ऐसे क्लिपिंग करके हम टिच करते हैं इसको। अच्छा जी, ये जड़ें हैं इसकी। अच्छा, देखो जड़ें, देखो तैयार पौधा है। और अच्छा, ये जैसे कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, ये कच्चे पौधे होते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा ये भी एक पौधा ही था, पर ये, हाँ ये भी ऐसे आगे पौधा बन जाता, क्लिपिंग लगनी, लेकिन टाइमिंग कम होने की वजह से इसको टिच नहीं किया गया। अच्छा, तो इसलिए इसको वैसे ही छोड़ दिया गया। अच्छा, अब ये कच्चा पौधा है और ये तैयार पौधा है। अच्छा, तो भाई साहब जो ये कच्चा पौधा हमारा, ये भी लगेगा नीचे? नहीं नहीं, कोई खास फ्रूटिंग नहीं देगा ये, कोई इसमें चलने में काफ़ी टाइम लगेगा इसको। अच्छा, हाँ जी, जो हमारा ये है ये जल्दी चलेगा। हाँ जी। अच्छा, तो भाई साहब, अच्छा ये कितने में जाएगा भाई साहब जैसे ये पौधा? ये पौधा तकरीबन आप मान के चलो 6 से 7 रुपये मान के चलो आप। अच्छा, और बाकी सीजन के हिसाब से होता है, जैसे कि डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट ज़्यादा होगा पौधे का। अच्छा, मार्केट के अंदर। अच्छा, ऐसा ही होता है। तो आज की डेट में कैसा है भाई जी इसका? वैसे अब ये मान के चलो आज की डेट में इसका प्राइस है लगभग 7 रुपये। अच्छा, हाँ जी, 7 रुपये दोस्तों प्राइस। अच्छा जी, तो एक पौधा है दोस्तों 7 रुपये, काफ़ी प्राइस है वैसे तो। अच्छा, और भाई जी, और अब ये जैसे लगेगा, कहाँ पे लगेगा ये? ये नीचे हमारे बड़े बड़े खेत होते हैं, जैसे वहाँ लगता है फ्रूटिंग के लिए लगता है। अच्छा, क्योंकि वहाँ फ्रूट के लिए क्लाइमेट अच्छा है इसके लिए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो कौन सा एरिया पड़ेगा भाई जी अपना है? हमारा लगभग नीचे आप ये मानो अपना हरियाणा या पंजाब? हरियाणा, पंजाब, यूपी, हर जगह लगता है ये। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ से तो भाई साहब, अच्छा हाँ जी, यहाँ पे हम सिर्फ पौधा ही तैयार करते हैं हिमाचल में तो। अच्छा, तो फिर ये जैसे आप जाएगा फिर लगेगा, और कब लगेगा भाई जी वहाँ पे? ये लगभग हमने पहला चलान भेजा है इसका 7 सितंबर के आसपास। अच्छा, पहला चलान भेज दिया आपने? हाँ जी। अच्छा जी, तो अब ये थोड़ा कच्चा पौधा था, इसको 15-20 दिन ये तैयार होगा। जैसे आपको मैंने अभी पौधा दिखाया था, वो बिल्कुल हाँ, तैयार पौधा था ये। अच्छा, पहले ये कच्चा था थोड़ा। अच्छा, तो अब ये यूँ मानो आप हमारा दूसरा तीसरा चलान है ये। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये दूसरा तीसरा चलान है भाई वो। अच्छा जी, तो भाई साहब अब ये तैयार कब होगा, फिर फ्रूट कब लगेगा इसमें, कितने फ्रूट? ये मानो आप, क्योंकि ये वेराइटी बाहर की है। अच्छा, अच्छी वेराइटी है एक ये। अच्छा, इम्पोर्टेड पौधा है, तो ये मान के चलो आप ये हो जाएगा नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, 1 नवंबर में। अच्छा, फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, फ्रूट देना शुरू कर देगा। हाँ जी। अच्छा, फिर भाई जी कब तक देगा फ्रूट है? ये आप ये मान के चलो फरवरी मार्च तक। अच्छा, फर्स्ट फ्लावरिंग होती है इसकी फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में होती है। अच्छा, फिर वो फ्रूट इसका तैयार होने में 15 से 20 दिन लगते हैं। अच्छा, तो यूँ मानो लगभग 15-20 अप्रैल हो ही जाता है। अच्छा, हाँ जी, फिर स्टार्ट हो जाएगा चलना। हाँ जी, क्योंकि फिर ज़्यादा क्लाइमेट बढ़ जाता है नीचे, उसकी वजह से पौधा ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो डिमांड भी कम हो जाती है ना मंडियों के अंदर इसकी। अच्छा, पे। अच्छा, पहले तो भाई जी रेट रहेगा इसका ठीक है मेरे ख्याल स्टार्टिंग में तो? हाँ, स्टार्टिंग में जैसे कि कम जाएगा तो वो मंडी का हर किसान को पता होता है। हाँ, कि भाई जो चीज़ मंडी के अंदर चीज़ कम होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ, ये नॉर्मल ही बात है। हाँ जी, तो है भाई जी।
अच्छा हाँ जी। तो भाई जैसे आपने ये भाई साहब जैसे ये बॉक्स बना रखे ना आपने इसमें, ये तो इसका क्या है भाई जी, एक बॉक्स में जैसे हमारा कितने की ये आएंगे और जैसे ये परो ट्रे आपने पहले दिखाई थी, ये परो ट्रे के अंदर पौधा है लगभग 50। अच्छा, एक ट्रे के अंदर 50 पौधा है? हाँ, एक परो ट्रे के अंदर 50 पौधा है। इसके अंदर कोकोपीट है, कुछ मात्रा में गोबर की खाद है और कुछ मात्रा में जो आपके यहाँ पे बांध के जंगल होते हैं वहाँ से मिट्टी उठाई गई थी। अच्छा, वो मिट्टी भी डाली गई है ताकि पौधा स्वस्थ रहे, ताकतवर रहे। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा तो भाई साहब जैसे, अच्छा फिर आपको इसको पेटी में किस तरह से, क्या सिस्टम भाई जी? बस वैसे सेब की पेटियाँ ये सीधा डाल देते हैं इसके अंदर, ट्रे डालेंगे आप इसमें? हाँ जी। अच्छा, और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे कि इसके ऊपर एक बार दब तो जाता है लेकिन इसका जो मेन क्राउन होता है वो नहीं टूटता उसका। अच्छा, हाँ नया क्राउन ही आता है इसका, यूँ मानो आप। अच्छा जी, हाँ खेत में लगने के बाद वैसे ही एकदम ताज़ा हो जाएगा ये। अच्छा, पानी चलने की वजह से। अच्छा तो भाई साहब जैसे ये को हमार को जैसे एक पेटी आपकी कितने की जाएगी जैसे भाई साहब? एक आपको जैसे एक पौधा बताया था मैंने 7 रुपये का लगभग सा, एक पेटी के अंदर पौधा है 400 पौधा है। अच्छा, 7 × 2800 रुपये का जाएगा, राउंड अबाउट 2500-3000। 2500-3000-3200, बस कभी 7, कभी 8, कभी 6 का भी जाता है। अच्छा हाँ अच्छा हाँ वही बात है ना, पौधा कम होगा तो रेट अपने आप ऊपर जाएगा। अच्छा, अगर पौधा ज़्यादा हो गया तो उसमें अपने आप थोड़ा डाउन चला जाता है, 6 के आसपास तो फिर भी जाता है पौधा। अच्छा हाँ जी। अच्छा तो भाई साहब जैसे यहाँ से अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे आप, यहाँ से इसको भेजेंगे? ये गाड़ी से जाएगा ये तो? अपनी गाड़ी करेंगे आप यहाँ से? नहीं नहीं हाँ, जैसे कि भाई किसी के पास गाड़ी है, जो बड़ी गाड़ियाँ होती है पिकअप होगी या आयशर गाड़ी होगी उससे भी जाता है, पिकअप से भी जाता है। अच्छा, उसमें जहाँ थोड़ा आसान होता है तो वो किराए पे ही करते हैं लगभग। अच्छा, वही करते पे या खुद ज़मींदार भी बेच देता है, जैसे किसी को पौधा दिया मैंने, हाँ वो ज़मींदार खुद भी बेच देता है कई बार। अच्छा, खुद भी अपना पौधा लेने के लिए आता है। अच्छा, ठीक है भाई जी, ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नरेंद्र भाई है इनके पास से 3 बंदे हैं दोस्तों यहाँ पे शेर में, ये काफ़ी टाइम से यहाँ हैं, तो हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते भी हैं कि कहाँ से हैं ये भाई हमारे, कैसा लगा इनको यहाँ पे, और इनसे हम जानकारी भी लेते हैं थोड़ी सी, अगर देंगे ये इसके बारे में ही तो अच्छा रहेगा दोस्तों हमारे लिए। तो भाई साहब आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नथुराम है। नथुराम है, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से आप? अच्छा अच्छा, तो हमारे नथुराम है भाई वो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, और आप भाई साहब? जी मैं भी यूपी से हूँ। अच्छा, सुशील कुमार मेरा नाम। सुशील कुमार है, अच्छा अच्छा, और आप भाई जी? हाँ जी, हम भी यूपी से हैं। अच्छा, हमारा श्यामलाल नाम। श्यामलाल नाम है? श्यामलाल, श्यामलाल है भाई हमारे भाई का नाम। तो अच्छा दोस्तों, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम के बारे में बताएं कि मतलब काम कैसा रहा यहाँ पे, कैसे किया आपने काम? सर अच्छा रहा, हमें यहाँ का मौसम भी अच्छा है और अच्छे लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, सभी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई हमें काम करने में। अच्छा 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 जी, और जो सिस्तावरी का काम किया आपने जी, तो ये आपने मतलब कैसे, क्या सिस्टम था इसका? इसका सर पहले तो हमने घास निकाली, पौधे लगाने के बाद घास पौधा था। अच्छा है, छोटा छोटा पौधा था, उसमें घास हो गई इतनी, वो घास निकाला, फिर इसमें नर जब बनने शुरू हुआ तो उसमें ट्रे रखी गई। अच्छा, और उसमें फिर पौधा और नर जो निकलता है वो टीचिंग करते हैं इसमें। अच्छा, टीचिंग करके जितना आगे बढ़ता रहा था उतना टीचिंग करते थे। अच्छा, और मतलब पानी पूरी का क्या सीजन? सर 2 से 3 दिन में अगर बारिश नहीं हुई तो 2 से 3 दिन में पानी लगाना पड़ता है। अच्छा जी, फिर पानी लगा, और फिर स्प्रे का कैसे रहा? स्प्रे सर ऐसे ही 2 से 3 दिन में स्प्रे भी करना पड़ता है। अच्छा, 2 से 3 दिन में। अच्छा 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 जी, यानी भाइयों जैसे काम ये हमारा स्मार्ट काम है, मतलब भारी काम तो नहीं, हल्का काम? भारी काम नहीं है, बैठने का काम है बस। अच्छा, बैठे बैठे? हाँ, बैठे बैठे काम है, कोई भारी काम नहीं, अच्छा है, बढ़िया लगता है काम करने में। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, लगातार कंटिन्यू आप यहाँ पे? लगातार करते हैं, परमानेंट है। अच्छा, महीने के हिसाब। अच्छा 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 जी, चलो बहुत बढ़िया है भाइयों, बहुत बढ़िया है। तो हमारा गांव अच्छा लगा आपको? है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, बारिश वारिश होती है तभी के बाद दवा ववा छिड़की जाती है। अच्छा, अगर बारिश हो तो उसके बाद स्प्रे करनी पड़ेगी ना? अच्छा, तो ये भी दोस्तों जानकारी है हमारे लिए। अच्छा, और भाइयों कुछ और कुछ रहा तो नहीं हमारा विशेष जानकारी तो नहीं कुछ इसके अंदर? और कुछ जी? और कुछ तो नहीं, अब कटिंग करके सर जाएगा नीचे लगने के लिए। नीचे चला जाता है लगने में,
अच्छा फ्रूट लगता है बस। तो अब आप अगले साल आओगे, अब जब यहाँ काम, अब अगले साल आएंगे जब यहाँ काम होगा, मई के समय आएंगे, मई। अच्छा मई में आओगे आप, जब फसल लगेगी। हाँ तभी आते हैं। अच्छा तो आप भाई परमानेंट हो इनके पास? हाँ परमानेंट है। अच्छा अच्छा तो चलो ठीक है भाइयों, आप इन तीन भाइयों से भी हमारे मिल चुके होंगे, चार महीने से हमारे गाँव में है ये, और इनको अच्छा लगा यहाँ पे, लोग भी अच्छे हैं और कह रहे हैं ये, और सब कुछ मौसम भी अच्छा है। हाँ मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ का है। अच्छा। हमारे वहाँ से यहाँ बहुत मौसम अच्छा है, उधर गर्म पड़ता है, बढ़िया है मौसम लग रहा है। अच्छा हाँ हमारे उधर बीमारी से मारी चल रही है, यहाँ बीमारी वमारी कोई नहीं है। अच्छा हाँ तो भाई भाइयों हिमाचल की बात है ये, ये हिमाचल प्रदेश की बात है। अगर यूपी में देख रहे हो आप लोग, कहीं प्लान में देख रहे हो, तो आप हिमाचल के नजारे हैं दोस्तों। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम है। बारिश वरिश जब तो होती है बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा सारे पहाड़ ही पहाड़ तो हैं यहाँ पे। हाँ पहाड़ ही दोस्तों। हाँ सही बात। हाँ सही है। तो ओके फ्रेंड्स, आप फिर मिल गए होंगे तो। ओके फ्रेंड्स, ओके ओके हमारे भाई हैं ये, और फिर हम थोड़ा सा और बात करते हैं और। हेलो गाइस, तो मैं अभी सिर से वापस आ चुका हूँ दोस्तों। तो वहां मैंने जो काम किया है, मैं उसको बाद में आपको नहीं दिखा पाया फ्रेंड्स, क्योंकि मैं लेट तक काम करता रहा और फिर अंधेरा हो चुका था दिखाने के लिए, तो बाकी वो नहीं दिखाया मैंने बाद में। लेकिन फ्रेंड्स जो आज का हमारा ब्लॉग है बहुत अच्छा रहा, जानकारी वाला ब्लॉग है, क्योंकि पहला जो हमारा ब्लॉग था वो इस पे ही था कि मतलब भाई कब हम लगाएं, कहाँ से मंगवाएं ये स्ट्रॉबेरी। तो पहला हमारा ब्लॉग इस तरह का था दोस्तों, लेकिन जो आज का ब्लॉग था, जब ये तैयार होगी कहाँ भेजे इसको, कि क्या इसका मतलब रेट रहते हैं, तो आज का हमारा ब्लॉग दोस्तों इस पे था। तो आई होप कि आप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग से अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फिर कल मिलते हैं दोस्तों आपको एक नया दिन और नए ब्लॉग के साथ। तो ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय फ्रेंड्स। ओके बाय।